Greetings, student of class 2. Myself Suman welcome you in online classes of session 2020-21. I am going to teach English. हम आपको English पढ़ाने जा रहे हैं. इस session में आपको English में 12 stories और 6 poems पढ़ने हैं. जिसे टर्म बाय डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टर्म में आपको 3 स्टोरीज और 2 पोएम्स पढ़ने हैं. ओके, सबसे पहले आप लोग CW कॉपी और HW कॉपी बनाएंगे और मैं जो भी यहाँ से सेंड करूँगी नोट्स उसको जरूर लिखिएगा. ओके, जब आपकी स्कूल खुलेगी तो आपके नोट्स को चेक कर दिया जाएगा. तो इस आशा के साथ हम क्लास शुरू करते हैं कि आप लोग नोट्स अच्छे से लिखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे. फर्स्ट टर्म में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है बुक का लर्न से लेसन, जिसके राइटर हैं दीपन विक्टर वार, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखे हैं, जिसमें से आपको भी एक पढ़ना है. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं. रिमेम्बर यू आर ऑल बिग एनिमल्स, द ओल्डर एलिफेंट्स वार्न्स द जूनियर. ये जो स्टोरी है एक बेबी एलिफेंट पे आधारित है, जिसे ओल्डर एलिफेंट समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है दूसरों के साथ. When lying down on the ground, you must watch out of a snail. See that you don't crush them under your weight. वो बता रहे हैं यंग एलिफेंट को कि जब आप ग्राउंड पे लेटते हो तो अपने नीचे देख लिया करो ध्यान से कि कोई छोटे एनिमल स्नेल जैसा तो नहीं है जो आपके वेट के अंदर दब सकता है. इट इज द स्नेल दैट टेल्स यू व्हेन फ्लड वाटर एंटर्स द फॉरेस्ट. ये जो स्नेल है वो आपको बताता है कि जंगल में बाढ़ आ रही है, ऐसी सूचना देती है. चेक टू सी इफ देयर आर बेबी स्क्विरल्स इन द हॉलो ऑफ ट्रीज. व्हेन यू शेक द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री टू पिक द फ्रूट्स. जब आप पेड़ से फ्रूट लेने जाते हो तो उसके डालियों को हिलाने से पहले उस पेड़ के खोटरों में बेबी स्क्विरल को जरूर देख लिया करो. देन दीज एनिमल्स विल बी द फर्स्ट वंस टू गिव यू न्यूज ऑफ एनी डेंजर. ये जो स्क्विरल है सो जंगल में सबसे पहले किसी भी खतरे की सूचना देता है. द स्क्विरल विल ब्रिंग यू न्यूज ऑफ एन अप्रोचिंग फॉरेस्ट फायर. स्क्विरल जो है वह जंगल में जब आग लगती है तो वह फर्स्ट जीव है जो हम लोगों को सूचना देती है, क्योंकि वह पेड़ की फुनगियों तक जाती है और वहाँ से उन्हें दूर दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं. द ओल्डर एलिफेंट डोंट ओनली टीच द यंग एलिफेंट्स हाउ टू लिव इन हारमोनी विथ अदर्स बट ऑल्सो टीच देम हाउ टू लिव इन हारमोनी अमॉन्ग दियर ओन काइंड. ओल्डर एलिफेंट बेबी एलिफेंट को ये भी समझाते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे रहें शांतिपूर्वक, और यही नहीं बल्कि सारे जीव जंतुओं के साथ किस प्रकार शांतिपूर्वक रहा जाए ये भी बताते हैं. When you get news of good food, the elder tell the juniors, you must not eat alone. ओल्डर एलिफेंट ये भी बताते हैं कि जब आपको ओल्डर एलिफेंट बताते हैं गुड फूड की सूचना देते हैं तो आप अकेले नहीं खाओ. यू मस्ट सेंड ए मैसेज टू अदर्स. आपको दूसरे को भी मैसेज करना चाहिए. एंड इफ एनी मेंबर ऑफ द हर्ड फेसेस डेंजर एवरीवन मस्ट रश टू हेल्प. अगर आपके हर्ड का कोई भी जानवर अगर खतरे में है तो उन्हें सबको मदद करनी चाहिए.
You should always remember how you are big you are. You might face danger if you are alone. Oh, ये भी बताते हैं कि आप कितने बड़े भी एनिमल क्यों ना हो, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. द यंग एलिफेंट लिसन टू दियर एल्डर्स विद रैप्ट अटेंशन. कितने सारे छोटे छोटे एलिफेंट थे अपने एल्डर एलिफेंट की बातों को ध्यान से सुन रहे थे. ओनली बुक्का डज नॉट लाइक टू लिसन टू ऑल दिस. लेकिन एक बुक्का ऐसा यंग एलिफेंट था जो उन बातों में कोई रुचि नहीं रखता था और कोई नहीं बात सुनता था. बुक्का नोज दैट वन डे ही विल बिकम द लीडर ऑफ द हर्ड. वास्तव में बुक्का जानता है कि वह बड़ा होकर के अपने हर्ड का नेता बनेगा. ही विल बिकम ह्यूज एंड हैव दोज विथ टस्क. वह जानता है कि हम बड़ा होकर के बहुत बड़ा हो जाएंगे और हमारे पास दो बड़े टस्क होंगे. एवरीवन इन द जंगल विल बी अफ्रेड ऑफ हिम. जंगल के सभी हमसे डरेंगे. सो बुक्का डज नॉट बदर टू मेक फ्रेंड्स विद दोज ए स्मॉल क्रिएचर एट ऑल. इसलिए बुक्का छोटे छोटे एनिमलों के साथ दोस्ती बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है. एम आई ए फूल दैट आई विल शेयर एनी गुड फूड दैट आई फाइंड. बुक्का सोचता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ हूँ कि अपने अच्छे अच्छे भोजन को दूसरे के साथ शेयर करूँगा. इन फैक्ट आई शुड बी ईटिंग ऑल दैट गुड फूड शुड नॉट आई. वह यह भी सोचता है कि जितने सारे अच्छे अच्छे फूड हैं उसे हमें खाना चाहिए क्योंकि मुझे जल्दी बन के बड़ा होना है. आफ्टर ऑल आई हैव टू बिकम द लीडर वन डे. और एक दिन लीडर बनना है. ही क्रशेस स्नेल्स अंडर फुट. वह अपने पैरों के नीचे स्नेल को रौंद देता है. सो बुक्का ब्रेक्स ऑफ फ्लावर्स एंड एल्सो ब्रांचेड विथ नेस्ट. फ्लावर को तोड़ करके बिखेर देता है और पेड़ की टहनियों को घोंसलों सहित नीचे गिरा देता है. ऑल द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ हिज मिस्चीफ. इस तरह से सारे एनिमल बुक्का से बहुत परेशान हो गए थे बुक्का की शरारतों से. वन डे दे कंप्लेन टू द लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड. प्लीज डू समथिंग दे टेल द लीडर. बुक्का इज बिकम वेरी नट्टी. वो लोग एलिफेंट के लीडर के पास गए और बोले कि आप कुछ न कुछ करें, बुक्का बहुत शरारती हो गया है. द लीडर हियर्स देम आउट एंड रियलाइज दैट नट्टी बुक्का नीड टू बी टॉट ए लेसन. एलिफेंट का जो लीडर था उन्होंने उनकी बातों को सुना और एक्सेप्ट किया कि बुक्का को एक सबक सिखाने की जरूरत है. दैट नाइट लाइक ऑलवेज बुक्का गोज टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज मदर्स वार्म साइड. उस रात बुक्का सदा की भांति अपने मम्मी के गोद में छिप करके सो गया. बट इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप सरप्राइज्ड. ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन ऑन द बैंक ऑफ द स्मॉल पूल. लेकिन जब बुक्का सवेरे उठा तो वह क्या देखता है कि वह छोटे पूल के किनारे अकेले पड़ा हुआ है. उसे बड़ी आश्चर्य हुआ. देयर इज सिंपली नो वन. वहाँ कोई नहीं था. बुक्का जंप्स अप एंड सर्चेस नियर द पूल. बुक्का कूदता है, छरपता है, इधर उधर अपने फैमिली को खोजता है. नो देयर इज नो साइन ऑफ द एलिफेंट हर्ड. वहाँ एलिफेंट हर्ड का कोई साइन भी नहीं था और कोई नहीं था. ही लिप्स ही ट्रंक टू कैच द स्मेल फ्लोटिंग इन द ब्रीज. उसने अपने ट्रंक को हवा में उठा करके सूंघना शुरू किया ताकि उसे फैमिली का कुछ हता पता लगे. नो लक देयर. लेकिन वहाँ उसका कोई लक काम नहीं किया. बुक्का फील्स फ्राइटेंड. बुक्का बहुत डर गया. ही स्टार्ट्स क्राइंग. व्हाट विल हैपन नाउ. वेयर विल ही फाइंड हिज पेरेंट्स इन सच ए ह्यूज एंड डेंस फॉरेस्ट. अब बुक्का चिल्लाना शुरू करता है कि ये क्या हो गया, हम अपने पेरेंट्स को इतने बड़े इतने घने जंगलों में कहाँ खोज पाएंगे.
Poor Mukha turns to the birds, animals and insects in the forest for help. Mukha जंगल के चिड़ियों जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के तरफ को अपने मदद के लिए कहा, बट दे ऑल टर्न अवे, लेकिन सारे के सारे भाग गए। द स्क्विरल सेज, स्क्विरल सेज स्क्विरल कहता है, हैव यू फॉरगॉटन हाउ यू शूक द ब्रांचेज एंड मेड अस फॉल। स्क्विरल कहता है कि क्या तुमने भूल गया कि कैसे तुम पेड़ की टहनियों के हिला के हमें गिराया था। द रैबिट मदर सेज, रैबिट की माता कहती है, डोंट यू रिमेम्बर हाउ यू पोर्ड वाटर डाउन आवर होल्स, क्या तुमने मेरे होल में जो पानी गिराया था वो भूल गया, याद करो। नाउ सी हाउ इट फील्स, अब देखो तुम कैसा फील करते हो। शेप्स यू राइट, तुम्हारे साथ जो भी हुआ सही हुआ। द बटरफ्लाई टू रिफ्यूज टू हेल्प हिम, बटरफ्लाई ने भी उसे मदद करने से अस्वीकार कर देता है। बुक्का स्टार्ट्स क्राइंग एंड देन ही फॉल्स एस्लीप क्राइंग बिसाइड द पूल। बुक्का फिर शुरू करता है चिल्लाना और चिल्लाते चिल्लाते वह गहरी नींद में पूल के बगल में सो जाता है। नेक्स्ट डे व्हेन ही वेक्स अप, he finds himself sleeping right in the middle of the his herd next to his mother's warm belly. जब अगले दिन वह सुबह में उठता है तो वह क्या देखता है कि वह अपने मम्मी के गोद में अपने झुंड के बीच सो रहा है। Was that a dream? thinks Bukka to himself. Bukka अपने आप में सोचता है कि क्या यह एक सपना था। After that day, उस दिन से no one complained about Bukka ever again. उस दिन से बुक्का का कोई कंप्लेन नहीं आया। तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इस लेसन से आपको क्या सीख मिली, इस पे आप लोग जरूर विचार करिएगा। और आपके दीपन बिटारवा जी इस लेसन के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, अपने खाने की चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर करें, दूसरे के काम आए, दूसरों को मदद करें जरूरत पड़ने पर। इस तरह से बुक्का के माध्यम से दीपन विटा राय जी ने आपको भी यह मैसेज दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इससे सीख लेंगे। वर्ड मीनिंग आप लोग जरूर लिख करके याद करिएगा। ओके,